गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है स्वाति खन्ना व्लॉग्स विदाउट एनी स्पेस। मेरे नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो मैं आज आपको कोई स्पेशल जगह लेकर आई हूँ जो कि बहुत लोगों को पसंद है। एक्चुअली हम आज आए हैं जन्माष्टमी महोत्सव में, जो मेला लगा हुआ है 2022 का। मैं आपको थोड़ी सी ना पीछे से दिखा देती हूँ कि मैं व्यू क्या है यहाँ का। आप देख ही रहे हैं जैसे ये पूरा अच्छे से डेकोरेट हो रखा है और ये रिसेंटली ही अभी ओपन हुआ है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका टाइमिंग क्या है, टिकट्स क्या हैं और ये कौन सी लोकेशन पे पड़ता है, तो वीडियो को एंड तक देखना ज़रूर, क्योंकि आपको सब कुछ पता लगने वाला है। इवन आपको ये पता लगेगा यहाँ पे राइड्स कौन कौन सी हैं और यहाँ पे खाना फेमस और टेस्टी खाना आपको कौन से स्टॉल पर मिलेगा। तो आइए चलते हैं, पहले हम अपना टिकट लेते हैं फिर अंदर एंट्री करते हैं, फिर मैं आपको उसका व्यू दिखाती हूँ अंदर से। तो चलिए हमने एंट्री कर ली है और व्यू बहुत ही अच्छा है। इवन यहाँ पर झूले हैं, खाने का है, इवन आप यहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हैं। आगे वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगी कि कौन कौन से स्टॉल हैं, उनका प्राइस टैग भी यहाँ पे लगा हुआ है, सब कुछ लगा है। तो आइए चलते हैं अंदर और इन्जॉय करते हैं अपना जन्माष्टमी का मेला। तो चलिए जैसी मैं एंट्री करी मैंने इस मेले में, तो लड़कियों की मतलब मनपसंद शॉप ही मुझे नज़र आ गई पहले एंट्री करते ही। तो ये हैं यहाँ पर, मैं आपको दिखा देती हूँ शॉप। ये है चड्डा डेली ज्वेलर वाले। तो मुझे यहाँ पे इयररिंग्स नज़र आए हैं, बड़े सुंदर सुंदर इयररिंग्स हैं जैसे आप देख रहे हैं। हर लड़की को मतलब ये अट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट मतलब एक्चुअली सेकेंड स्टॉल ही है ये, फ्रंट से बिल्कुल नज़र आ जाएगा लेफ्ट में। और सीरियसली बहुत ही यूनिक इयररिंग्स हैं यहाँ पर। ये नहीं है ये झुमकियाँ, हर तरीके का आपको यहाँ पर ज्वेलरी से रिलेटेड रिंग्स हैं यहाँ पर, मतलब जो आप यूजुअली पहनना पसंद करते हैं। और रेट सिर्फ और सिर्फ रेट सुनकर तो आप इतने हैरान हो जाओगे ना यार, मैं तो बहुत शॉक्ड हो गई कि इतना सब कुछ और इतना एंटीक, मतलब कितने का होना चाहिए। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, वो देखिए वो लिखा हुआ है ओनली 100 रुपीज़। मतलब आप यहाँ पे कोई भी आइटम सेलेक्ट कीजिए, रिंग लीजिए, इयररिंग्स लीजिए, एंटीक आइटम लीजिए, एंकलेट लीजिए, कुछ भी लीजिए, रिंग्स यहाँ पे 50 रुपीज़ हैं और जो बाकी आइटम्स हैं इयररिंग्स वगैरह वो हैं यहाँ पर 100 रुपीज़। मेले में आए हैं तो खाना तो बनता ही है, ऑब्वियस है, लेकिन मैं स्टार्ट करूँगी कुछ हल्के फुल्के से। जैसे मेरे पीछे आप एक स्टॉल देख रहे हैं, मुंबई चौपाटी की भेलपूरी। तो मतलब यहाँ पर खट्टी मीठी तीखी हर तरीके की आपको भेल मिलने वाली है। तो आइए पूछते हैं रेट क्या होने वाला है यहाँ पे। हेलो भैया, तो क्या भेल का क्या प्राइस है यहाँ पर? 50 का 50। तो कैसी भी खा सकते हैं, खट्टी मीठी या तीखी, कैसे मर्जी बना के देंगे आप? हाँ जी, तो आप खट्टी बना दीजिए भेल मेरे लिए। हमारी भेल रेडी हो चुकी है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये फेमस है। तो आइए टेस्ट करते हैं यहाँ की फेमस भेल, बॉम्बे की एक्चुअली। खट्टी मीठी है ये, जैसा आप चाहें आपका टेस्ट है, खट्टी मीठी तीखी वैसे बना के देंगे आपको। ये थोड़ी डिफरेंट लगी, अच्छी लगी मुझे ये चीज़। थोड़ी जो स्टॉल है ये जस्ट ये वाला जो झूला है, फेमस झूला, ये जो हॉर्स राइडिंग वाला झूला होता है, बड़ा प्यारा लग रहा है व्यू और लाइटिंग तो बहुत ही अच्छी है। तो उसके जस्ट सामने ये स्टॉल लगता है। अगर कुछ हल्का फुल्का खाना चाहते हैं, हैवी नहीं खाना चाहते, तो ये बेस्ट आइटम है, बहुत बढ़िया। तो ये तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी है, ये तो जस्ट स्नैक्स है मेरे लिए। मैं आप अभी देखती हूँ आगे मुझे और क्या टेस्ट करना चाहिए। तो वीडियो में बने रहिए एंड तक, और अगर वीडियो अच्छी लगनी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो कर दो, तब तक मैं ये फिनिश कर लेती हूँ।
की शान और बान होता है वो है ये वाला झूला, किंग किंग है ये, मतलब मेले का ना, अगर ये झूला नहीं होता ना तो मेले का तो मज़ा ही नहीं आता, ना ही व्यू अच्छा लगता है। तो ये तो मेरा फेवरेट वन है और मैं इसको ज़रूर झूल के जाऊँगी। तो ऑलमोस्ट सब स्टार्ट हो चुका है, लाइटिंग प्रॉपरली ऑन हो चुकी है और व्यू बहुत ही अच्छा है। और एक ख़ास बात यहाँ पे ये है कि इस मेले में ना ऐसे बड़े बड़े झूले देखने को मिल रहे हैं, मतलब कहीं जल्दी से वैसे नॉर्मली मेले में मिलते नहीं हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है। और मैं अब जा रही हूँ इसको राइड करने के लिए, उसके किरेदार झूले हैं यार। और यहाँ पे खाने पीने का भी बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए अलग झूले हैं, ऑप्शन बच्चों के भी बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, ये नहीं कि एक दो झूले लगा दिए, नहीं कम से कम भी 6-7 झूले तो सिर्फ बच्चों के ही हैं राइड वाले, तो ये बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आइए चलते हैं राइड लेते हैं यहाँ की। हमने टिकट ले लिए इस बड़े वाले झूले की, तो देखते हैं क्या होने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा डर भी लगता है यार। ओ मम्मी, और मैं आपको एक बात बता दूं, इस झूले की 1% की जो टिकट है वो है 100 रुपीज़। तो ये टिकट ले ली है, वहाँ से काउंटर से टिकट मिलता है और ये है झूला। तो आइए राइड लेते हैं सबसे बड़े झूले की। यार हम सबसे ऊपर हैं इस टाइम, देखते हैं क्या होने वाला है। गुदगुदी होती है वैसे ना इस झूले में। यार आई लव दैट फीलिंग ऑफ, मतलब अगर आप यहाँ आए हो और आपने ये वाला झूला एंजॉय नहीं करा ना तो ये तो कुछ भी नहीं है घर में। पूरा व्यू यहाँ से नजर आ रहा है और हमारी राइड हो चुकी है कंप्लीट। अब नेक्स्ट मैं झूलने वाली हूँ यहाँ का दूसरा बहुत ही बढ़िया वाला झूला, राइड लेने वाले हैं हम, तो आप जरूर देखना। और व्यू तो आप देखो, आपको पूरा नज़र आ गया होगा यहाँ से, व्यू कितना शानदार लग रहा है यहाँ पे यार, बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी टाइम बाद ऐसा इन्जॉयमेंट, ऑसम फीलिंग। तो मेरी राइड हो चुकी है कंप्लीट, मैंने ये झूले और बहुत मज़ा आया है, बहुत ही नंबर वन झूला है यार मेले की शान। तो नेक्स्ट देखते हैं आप कौन सी राइड लेने वाले हैं हम लोग, तो चलिए। मज़ेदार वाली राइड थी यार ये वाली राइड है, वो मैं आपको बता रही हूँ, बहुत मतलब ऊपर नीचे उल्टा पुल्टा कर दिया इन्होंने, और पर पर्सन 100 रुपीज़ ही है। तो इसके सामने मुझे एक स्टॉल नज़र आया उतरते ही, जो कि मेरा फेवरेट है, वो है कैंडी स्टॉल, कॉटन कैंडी। तो ये तो सबकी फेवरेट होती है यार, कितने सही तरीके से बन रही है।
है इसके साथ सांभर, और ये चटनी मिली है, और ये डोसा। तो इसकी जो कॉस्ट है डोसे की वो है 80 rupees। तो टेस्ट करते हैं अपना मसाला डोसा। एक्चुअली मेरा ना फेवरेट है मसाला डोसा, मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, डोसा अच्छा है, सांभर इज ठीक ठाक, मतलब एक मेले में जैसे आपको मिलता है वैसे मिलेगा, मतलब मेरे को सोसो लगा, कुछ ज़्यादा वो नहीं। मैंने बहुत जगह खाया है डोसा, लेकिन ठीक है, मतलब 80 रुपये के हिसाब से मुझे शायद थोड़ी सी कॉस्ट इसकी ज़्यादा लगी, लेकिन ठीक है, मतलब मेले में तो वैसे ही आपको मिलेगा। मैं खा चुकी जो मुझे खाना था, और मैं अपना डोसा भी फिनिश कर लिया है। इसमें मुझे जो सोसो लगा तो ये था पूरा व्यू, लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे मुझे स्टॉल नज़र आया है लास्ट में जाते जाते, वो आग वाला पान होता ना, फायर वाला, मैं वो खाने वाली हूँ। अब तो देखते हैं भैया, दे लगा दीजिए अब एक। जैसा मीठापान होना चाहिए था ना वैसा है नहीं, मतलब कुछ कमी रह गई है इसके अंदर, क्योंकि मैंने मीठापान बहुत खाया और मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे यहाँ पे सोसो लगा, फायर वाला पान। तो यहीं करते हैं अपने व्लॉग का एंड। आई होप आपने भी मेरे साथ इंजॉय किया होगा ये मेला, और आपको भी मज़ा आया होगा, और आपका भी मन कर रहा होगा कि हम जल्दी से आए इस मेले में और इंजॉय करें, यहाँ की राइड्स लें, मतलब बहुत मज़ा आ गया है। नाइट क्राउड तो बहुत ही अच्छा है, इवनिंग में आ सकते हैं, 5 बजे खुल जाता है, रात के 12 बजे तक है, खाना भी अच्छा है यहाँ पर, और राइड्स तो बहुत ही अच्छी होने वाली हैं, जो फेमस राइड्स होती हैं ना वही यहाँ पर हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से आ जाइए यहाँ पर। मैं दोबारा से एक बार एड्रेस बता देती हूँ। तो मैं इस टाइम पश्चिम विहार में हूँ, बेरा इनक्लेव। तो यहाँ पर पार्किंग का पूरा बना हुआ है, गाड़ी का अलग बना हुआ है, टू व्हीलर्स का अलग बना हुआ है, बहुत अच्छे से मेनटेन कर रखा है, कोई हौश पौश नहीं हो रहा है, बहुत तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है। और सीरियसली मेला बहुत ही अच्छा है, जन्माष्टमी मेला 2022। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और आपको आने वाले जो इवेंट्स हैं, जो मेले हैं, फेस्टिवल्स हैं, फेस्ट हैं, इस चैनल पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन सहित आपको मिलने वाला है वो। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे कर दीजिए। तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए स्वाति खन्ना व्लॉग्स विदाउट एनी स्पेस। बाय।